मैं डॉक्टर सरवण बराला विधानसभा क्षेत्र चौमू से हूं। आज विद्यानगर स्टेडियम में जो महाकुंभ में 5 लाख की कैपेसिटी का स्टेडियम है, 5 लाख तो अंदर है पर बाहर शायद उससे 2 गुने लोग बाग पूरे विद्याधर नगर में फैले हुए हैं। ऐसे जाट महाकुंभ में मैं सभी पधारे हुए हमारे जाट देवी और देवताओं का सम्मान करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान के कोने कोने से गांव और डैणी से पधारे। आज यहां की जो प्रमुख मांगे हैं हमारी ओबीसी जातियों की जनगणना करा के उनकी जितनी हिस्सेदारी है उतना प्रतिशत उनको आरक्षण मिलना चाहिए और ये जनगणना बहुत ही आवश्यक है। जितनी संख्या में ओबीसी की प्रतिशत आता है उतना प्रतिशत आरक्षण की मांग आज हमारे यहाँ मंच माध्यम से की गई है। दूसरी जो हमारी प्रमुख मांगे है, केंद्र सरकार में ओबीसी का 26% आरक्षण है जबकि राज्य में 21% है, वो भी तुरंत बढ़ा के 26% करना चाहिए। तीसरा हमारा जो विशेष अभी मन से एक भाई ने उठाई थी, पानी बिना जीवन संभव नहीं है और यदि राजस्थान की सबसे कोई बड़ी समस्या है तो वो पानी है। यदि सबसे बड़ी समस्या पानी, एक तरफ बेरोजगारी, एक ही देश में 2 विसंगति हो रही है, एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सूखा। आज यदि हम पूरे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा बात करें तो सबसे पहले पानी की जरूरत होती है। आज पूरे हिंदुस्तान का जो बिजली तंत्र है आपस में जुड़ चुका है, पूरी सड़कें पूरे हिंदुस्तान में आपस में जुड़ चुकी है। तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था नदी से नदी जोड़ के हमारे संपूर्ण राजस्थान को नहरों से जोड़ के सिंचाई का पानी दिया जाना चाहिए और पीने का पानी दिया जाना चाहिए। हरियाणा हमारा एक ऐसा राज्य था जिसके मध्य से कोई नदी नहीं बहती पर आज पूरा हरियाणा की सिंचाई यदि नहरों से हो सकती है तो निश्चित तौर पे राजस्थान का किसानों का पूरे राजस्थान में जहां जहां जिलों में सूखा है और विशेष तौर से मैं जिबेर जिले की बात करूंगा, यहाँ हम कृषि और पशुपालन पे निर्भर है और हमारा ये चौमू आमेर छापरा क्षेत्र एक ऐसा है जो पूरे जयपुर को दूध और सब्जी खिलाता है। वहाँ पानी करीब करीब जा चुका है, ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी भयंकर बेरोजगारी आने वाली है और सभ्यता नष्ट होने के कागार पे है। तो मेरा तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार से आज इस महाकुंभ के साथ साथ एक ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरा राजस्थान एकजुट होकर हमारे हर खेत को पानी और हर घर को पीने का पानी मिलना चाहिए। धन्यवाद।